हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नया नाश्ता, जिसे हम बनाएंगे प्रोटीन से भरपूर दाल के साथ। तो वैसे तो बच्चे दाल खाने में बहुत ज्यादा नखरे करते हैं, लेकिन दाल बहुत ही ज्यादा प्रोटीन से भरपूर होती है, जो बच्चों के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम बनाने वाले हैं दाल का बहुत ही ज्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नया नाश्ता, जिसे बच्चे क्या बड़े भी मांग मांग के खाएंगे। वैसे तो आपने ब्रेड के बहुत सारे नाश्ते देखे होंगे, लेकिन गारंटी के साथ बता रहे हैं ये नाश्ता खाना तो दूर की बात है, आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए, मैंने 4 स्लाइस लिया है ब्रेड का, जो मैंने व्हाइट वाला इस्तेमाल किया, आप चाहे तो ब्राउन भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा लार्ज वाला है इसलिए मैंने 4 लिया, अगर आपका स्मॉल है तो आप सिर्फ 8 लेना। यहाँ पे हमने लिया है चने की दाल। अगर आपके पास चने की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे कोई भी अपने मनपसंद दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चने की दाल में पाया जाता है सबसे ज्यादा प्रोटीन, इसीलिए मैंने चने की दाल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे वेट ने हमने दाल ली है 150 ग्राम, नाप में एक कटोरी है, आप चाहे तो कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इस दाल को मैंने अच्छे से भिगो कर रख दिया था। यहाँ पे दाल को मैंने गर्म पानी में सिर्फ 1 घंटे के लिए भिगोया था, तो ये अच्छे से फूल गई है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 3 से 4 घंटे नॉर्मल वाटर में भी ले सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में जल्दी नाश्ता बनाना था इसलिए गर्म पानी में मैंने इसे भिगो दिया अच्छे से। ये देखिए इस तरह से फूल गई है। तो यहाँ पे अब हम इसका सारा पानी रिमूव कर लेंगे और इसको थोड़ा सा छन्ने में रख देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए, एक बड़े साइज का बर्तन लिया, उसके अंदर हम इस तरह से छन्ना रखेंगे और इसको दाल को ट्रांसफर कर देंगे। अब थोड़ी देर हम दाल को इसी तरह से छन्ने में रखेंगे, ताकि इसका जितना भी पानी है पूरा का पूरा निकल जाए। ये प्रोसेस आपको जरूर करना है। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, अब ब्रेड के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेड को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, आइए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया, आप चाहे तो चकला भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम ब्रेड को इस तरीके से लगा लेंगे और यहाँ पे हम इसकी साइडों को निकालेंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें ब्रेड की साइडों को ज़रूर निकालना है, और इसका इस्तेमाल आप किसी भी रेसिपी में कर सकते हैं ब्रेड क्रम्ब के रूप में। इसको वेस्ट मत करना, फेंकना मत, कहीं भी स्टोर कर लीजिए रख के। ये देखिए, चलिए इसको हम फटाफट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सारी ब्रेड की साइडों को निकाल दिया। अब इस तरह से हम ब्रेड को हल्का सा मोटा मोटा हाथों से तोड़ लेंगे, ये देखिए। और ये इस तरीके से जो हम इस्तेमाल करेंगे ब्रेड की साइडों को निकाल के, तो बहुत ही प्यारा सा हमारा लुक आएगा नाश्ते में। तो मक्खियों ने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है, अगर आपको मक्खी भगाने का कोई तरीका पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखा है। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, यहाँ पे एक कढ़ाई लिया, आप चाहे तो कोई और बर्तन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। तो देखिए तेल हमने बहुत ही कम डाला है, सिर्फ 1/2 टीस्पून तक, आप घी और बटर भी ले सकते हैं। जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर अपनी ब्रेड को इस तरीके से ट्रांसफर कर देंगे, और यहाँ पे हम कंटिन्यू चलाते हुए इसे हाई फ्लेम पर 10 से 15 सेकेंड अच्छे से भूनेंगे। भूनने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और ब्रेड की जितनी भी नमी होगी वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये प्रोसेस जरूर करना है, इसको अच्छे से भूनना है सिर्फ 10 से 15 सेकंड, वो भी हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए। ये देखिए ब्रेड पे बिल्कुल अच्छा सा क्रिस्प आ चुका है और काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। अब इसको निकाल लेते हैं और हल्का सा ठंडा होने के बाद इस्तेमाल करेंगे, गर्म नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है, अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। हम इसमें डालेंगे 6 से 7 काली मिर्च साबुत वाली, अगर आपके पास साबुत वाली ना हो तो आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच साबुत वाला मोटा वाला सौंफ, और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक जीरा। तो ये गया हमारा 1/2 टीस्पून तक जीरा, और एक हम साबुत खड़ी लाल मिर्च को इस तरीके से तोड़ कर डाल देंगे, और अब इसमें हम 2 हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 डालना। अब इसके अंदर हम डालेंगे 7 से 8 कलियां लहसुन की, जिसको हमें छिलके के साथ डालना है। छिलके में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो छिलका निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका लहसुन पुराना वाला हो और उसका छिलका पीला वाला हो तो आप निकाल देना, अगर ताज़ा लहसुन है इस तरीके से वाइट छिलका है तो ज़रूर डालना, छिलके के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 1 इंच का अदरक लिया, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया, ये डाल देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे साबुत धनिया 1/4 चम्मच तक, तो साबुत धनिया डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हींग, ज़्यादा हींग नहीं डालनी है। अब ये देखिए जो हमारे ब्रेड थे बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, अब इसके अंदर हम ब्रेड को ट्रांसफर कर देंगे, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से 1 से 2 बार मिक्सी को चलाकर रोक देंगे और दरदरा पीसेंगे। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 बार चलाकर मिक्सी को रोक दिया, इस तरीके से हमने इसको दरदरा पीस लिया है, ये देखिए। अब एक बड़े साइज के बर्तन में इसको हम ट्रांसफर करेंगे सारा का सारा,
और फिर हम आगे का काम करेंगे। और अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे आपको बताते हैं। 2 से 3 चुटकी हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो पीलेपन की जगह पे लालपन आ जाता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना नमक खाते हैं उतना डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और चीनी डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा, सारे फ्लेवर बैलेंस हो जाएंगे। और अब इसके बाद हम इसको चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच भर कर डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, सिर्फ 1/4 चम्मच तक, ज़्यादा नहीं डालनी है। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको हटा सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच तक गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, जो हल्का सा गरम करके डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल मैंने सिर्फ 4 से 5 बूंद डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और अगर आप चम्मच से नापेंगे तो 1/4 चम्मच डाला है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब इसको हम साइड में रख देंगे, ताकि सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। तब तक हम दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे एक पैन लिया, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। जब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें 1/2 टीस्पून तक ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, ज़्यादा जीरा नहीं डालना है। और 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे अजवाइन। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, ज़्यादा नहीं डालना है। और दोनों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटकाने के बाद एक मीडियम साइज के प्याज, जो मैंने इस तरह से मोटी मोटी कट कर ली, ये डाल देंगे। और प्याज को हम हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे प्याज को हम कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। ये देखिए प्याज हमारी बिल्कुल लाइट सी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे चने की दाल, जो हमारी 1 बड़ी चम्मच है। अगर आपकी छोटी चम्मच है तो आपको 2 चम्मच लग जाएगी। यहाँ पे दाल को मैंने सिर्फ कपड़े से पोंछ कर लिया है, 2 से 3 बार अच्छे से पोंछ लिया, ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। यहाँ पे दाल को आपको भिगोने का कोई भी झंझट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दाल को हमें 1 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, ताकि दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से भून जाए और हल्की सी फूल जाए। जब दाल हमारी अच्छे से फूल जाएगी तो इसमें हम 2 साबुत खड़ी लाल मिर्च डालेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 डालना, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो भी सिर्फ 1 डालना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लाल मिर्च को भी 10 से 15 सेकंड अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे आपको लाल टमाटर का इस्तेमाल करना है, ना ही इसके बीज निकालने हैं, ना ही इसका जूस निकालना है। यहाँ पे मेरा एक मीडियम साइज का था तो मैंने पूरा लिया है। अगर आपका बड़ा है तो आप सिर्फ 1/2 लेना, अगर छोटा है तो 2 ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टमाटर को हमें हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनना है, ताकि ये सिर्फ 50% तक कुक हो जाए। यहाँ पे हमें इसमें अभी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, पहले हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए हमारे टमाटर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हमारे 10 से 15 सेकंड हमने हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लिया। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक, जिसको अच्छे से वॉश करके इस तरह से छिलका निकाल लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 5 कलियाँ लहसुन की। तो अदरक और लहसुन हमें बाद में डालना है, क्योंकि इनको भूनने में कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमें इन्हें काला नहीं करना है। सारी चीज़ों को हम वापस से 1 मिनट तक और भून लेंगे लो फ्लेम पर। तो यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, जो बर्तन लेना है थोड़ा सा भारी लेना है, ताकि ये जले ना। और यहाँ पे अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। तो ये गया हमारा 1/2 टीस्पून तक नमक। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना नमक खाते उतना डाल सकते हैं। तो नमक हमने पहले इससे नहीं डाला, अगर हम पहले डाल देते तो टमाटर हमारे ओवर कुक हो जाते। तो यहाँ पे हमें टमाटर को गलाना नहीं था, बस उसको अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए हमने इसको भूना है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया, हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार होता है उसका इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर हम फटाफट इसको ट्रांसफर करेंगे। और फिर इसके अंदर हम क्या क्या डालेंगे अभी आपको बताते हैं। तो सारा का सारा ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल भी बचाने की जरूरत नहीं है। और अब इसके अंदर क्या जाएगा, आप इसमें डालेगा 1/2 टीस्पून तक चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर ही बोलते हैं। और यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि टमाटर और प्याज में खुद का पानी होता है। अब चलिए इसको अच्छे से पीस लेते हैं, बिल्कुल स्मूथ तरीके से, फिर आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है। चलिए आपको दिखा देते हैं कितना प्यारा सा कलर आया है और बिल्कुल स्मूथ तरीके से पीस जाता है, क्योंकि टमाटर और प्याज में खुद का बहुत पानी होता है, पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप इसे इस तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा है। लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिससे इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा हो जाएगा, लुक भी बहुत प्यारा होगा और चटनी को आप लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट तड़का लगाते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो तड़का पैन भी ले सकते हैं। अब इसमें सिर्फ हाफ टी स्पून तक ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे चौथाई चम्मच तक जीरा और थोड़ी सी हम इसके अंदर हींग डालेंगे एक से दो चुटकी, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सरसों। सारी चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे, इससे ज़्यादा आपको इसको नहीं पकाना है। ये देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से चटक गई हैं। अब चलिए तड़का को ऐड करते हैं। ऐड करने से पहले लास्ट चीज़ क्या डालेंगे आपको बताते हैं। लास्ट चीज़ जाएगी एक साबुत खड़ी लाल मिर्च, जो हमें सबसे लास्ट में डालनी है। अगर आप पहले डाल देंगे तो जो इसकी स्मेल है उससे आप काम ही नहीं कर पाएंगे, आपको इतनी छींकें आ जाएगी, इसीलिए लास्ट में डालना है। 10 से 15 सेकंड इसको चलाना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब चलिए गर्मा गर्म तड़के को ऐड करते हैं चटनी के अंदर। तो ये गया हमारा गर्मा गर्म तड़का चटनी के अंदर। और तड़का जब डालेंगे तो इस तरह से छन्न की आवाज़ आएगी, जिससे आपको पता चलेगा आपका तड़का परफेक्ट लगा है। और ये देखिए तड़का लगने के बाद जो चटनी का टेक्सचर है वो भी अलग लेवल का हो जाता है और बहुत ही प्यारा सा लुक भी आ जाता है। और टेस्ट तो जब आप इसे बनाएंगे खाएंगे तभी जान पाएंगे। आप एक बार इस चटनी को बनाएंगे तो बार बार इस नाश्ते के साथ बनाने का मन करेगा, और किसी भी नाश्ते के साथ इसको सर्व करेंगे तो उस नाश्ते का जो स्वाद है वो दुगना हो जाएगा। और इस तरीके से चटनी को आपको थिक रखना है। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो आप 3 से 4 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। और चलिए अब इसको साइड में रख देते हैं मज़ेदार सी चटनी को और आगे का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दाल में से जितना पानी था वो निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने जिसमें मसाला पीसा था उसी में हम दाल को ट्रांसफ़र करेंगे। और यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि हमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। 2 से 3 चम्मच हम दाल को छोड़ देंगे, सिर्फ 2 से 3 छोटा चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं छोड़नी है। तो यहाँ पे हम इसको दरदरा पीसेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे, उसके अंदर अपनी हम दाल को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको 1-2 दाल साबुत भी नज़र आ जाती तो कोई बात नहीं है, लेकिन पानी का इस्तेमाल दाल को पीसते समय नहीं करना है। अगर दाल आपकी अच्छे से फूली होगी तो पीसने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको लगे कि आपकी दाल नहीं पीस रही तो आप 1 से 2 चम्मच दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, पका हुआ ठंडा दूध डाल सकते हैं, पानी का इस्तेमाल मत करना। अब इसमें हम डालेंगे चौथाई चम्मच साबुत जीरा और इसमें हम 1 ग्रीन चिली जो इस तरह से मोटी मोटी कट कर ली ये डाल देंगे। अब इसमें हमने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया जिसको इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, ये ऐड करेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नाश्ते की जान फ्रेश हरा धनिया, जो हमने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, 3 से 4 चम्मच। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून तक ऑयल डालेंगे, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा बनेगा। और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। तो अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। तो चावल का आटा डालने से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और ऑयली बिल्कुल नहीं बनेगा। थोड़ी सी अजवाइन को इस तरह से 2 से 3 चुटकी डाल देंगे और ये जो हमारी बची हुई दाल थी इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब ये जो हमने बना के रखा था, देखिए सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से मिल गए, इसको भी हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। बिना पानी डाले हम इसको सारे अच्छी चीज़ों को यानी सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से मिलाना है ताकि हमारी जो दाल है साबुत वाली वो टूटे ना, क्योंकि वो फूली हुई है, अगर आप प्रेशर देके करेंगे तो वो टूट जाएगी। ये देखिए बिल्कुल गुदे हुए आटे के फॉर्म में इस तरीके से हमें डो रेडी कर लेना है। और इस डो को हम 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि जो हमने ब्रेड और आटा डाला है वो दाल के साथ बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो चलिए 2 मिनट हम इसको छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए अब इसको देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं। बनाने से पहले थोड़ा सा अपने हाथों के ऑयल अप्लाई करेंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से हथेलियों को ग्रीस कर लेंगे। अब यहाँ पर हम नींबू से थोड़ा सा मोटा लेंगे मिश्रण को और इसको हम पहले इस तरीके से हल्का हल्का सा गोल करेंगे, फिर चिकना करेंगे इस तरीके से दोनों हथेलियों के बीच में रख के, फिर यहाँ पे हम प्रेशर देते हुए इसको इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। हल्का सा साइडों को हम इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे।
यहाँ पे देखिए जो इसकी थिकनेस है, बहुत ज़रा ना मोटा रखना है ना बहुत ज़रा पतला, इस तरीके से आपको रखना है। आप इस तरह से बना कर इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं, जब आपका मन हो या मेहमान आए आप निकाल के बना सकते हैं। और ये आप इस तरीके से भी फ्रीज करके रखेंगे तो 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस आपको हवाबंद डिब्बे में रखना है और फ्रिज को आपको चलते रहने देना है, ऐसा नहीं करना कि फ्रिज को एक बार चला कर बंद कर देना है, इससे आपका ये ख़राब हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से इस तरीके से हल्का हल्का सा कर लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये शेप ले लेगा। तो चलिए सारे तैयार कर लेते हैं फटाफट इसी तरीके से। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इतना बना लिया है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी, तो चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, यहाँ पे देखिए मैंने पैन में लिया है तेल, तो यहाँ पे मैं इसे सलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो पैन लीजिए, चाहे तो कढ़ाई लीजिए, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। तेल को बिल्कुल अच्छे से हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे और इस तरीके से चेक कीजिए, हथेली को थोड़ा सा ऊपर रखिए, अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही है तो तेल समझ लीजिए अच्छे से गर्म हो चुका है। जब तेल गर्म हो जाएगा गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और यहाँ पे हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऊपर से तो बहुत जल्दी कलर पकड़ लेंगे लेकिन अंदर से कुरकुरे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगर आप इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऑयली बन जाएंगे। तो एक बार में इतना ही डालना है जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो, तो मैंने 4 डाल दिया। अब इसे 2 मिनट तक पकने देंगे, 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो यहाँ पे हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, 2 मिनट से पहले इसको टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट के बाद ही जब ये कुक हो जाएगा तब टर्न करेंगे। अब दूसरे साइड भी इसे 2 मिनट बना लेंगे, टोटल इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, अब 10 सेकंड इसको हम हाई फ्लेम पर रखेंगे ताकि ये काफ़ी ज़्यादा कुरकुरे और क्रिस्पी हो जाए। तो जब बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाए तब इसको हाई फ्लेम पर रखना है सिर्फ 10 सेकंड, और अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं छन्ने का इस्तेमाल करूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस चला जाए, बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर सा कलर आ चुका है और बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको गोल्डन ब्राउन किया है, काला नहीं करना है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, जितना सुंदर लग रहा है देखने में खाने में सोया टेस्टी है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस चला जाए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तेल को फिर से गर्म करना है। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम अपने बाकी वाले भी इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने पहले वाला बनाया था। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में ज़्यादा क्रिस्पी है। ये देखिए और सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं और बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं बनते इस तरीके से। देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ तो हथेलियों पे ऑयल ही ऑयल नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर जो चावल का आटा डाला है, ब्रेड डाला है, वो इसको बिल्कुल भी ऑयली नहीं होने देता है। ब्रेड डालने की वजह से ये अंदर से सॉफ्ट होता है और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी होता है। इस वाली चटनी के साथ जब आप इसे एक बार इंजॉय कर लेंगे तो बार बार इस चटनी के साथ ही इस नाश्ते को बनाएंगे। चटनी आप एक बार मेरे कहने पर जरूर बनाना, आपको मज़ा आ जाएगा चटनी को खाकर। तो कैसा लगा आपको हमारा मज़ेदार सा नाश्ता कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। अगर आप इसे चटनी के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप इसे बना सकते हैं जो प्रोटीन से भरपूर है। वैसे तो बच्चे दाल खाते नहीं तो आप इस तरीके से उनको खिला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।